और इसमें आपको ये बताएं कि लाहौर में फजाई आलूदगी पर काबू पाने और माहौलियाती तहफ्फुज के लिए इब्तदाई तौर पर जो कि प्लान पेश किया गया था 51 अर्बन फॉरेस्ट जो हैं उनके साइट्स के हक कहाँ कहाँ होगी, उनकी तकमील कैसे होगी, उस हवाले से आज वज़ीर आज़म इमरान खान को एक तकरीब में, ये जिस तकरीब में मौजूद हैं, खसूसी ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अब पौधा लगा रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं मेवाकी फॉरेस्ट का, मेवाकी जंगल का, यानी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने। 51 जगहें ऐसी हैं जहां पर ये अर्बन फॉरेस्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं, शहर के अंदर अर्बन फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं। मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम भी इस जगह पर, इस मौके पर मौजूद हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैरिस्टर एजाज चौधरी मौजूद हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार मौजूद हैं। ब्रीफिंग दी जा रही है वज़ीर आज़म इमरान खान को, 51 अर्बन फॉरेस्ट जो है वो साइट्स की वो डिफरेंट हाइट्स पे होगी सबकी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो डिफरेंट हाइट्स पे ग्रो करते हैं तो उनको एक सनलाइट यूनिफॉर्मली लगती है सबको, वरना एक सामने आता है बाकियों पे शेड आ जाता है। ये लिबर्टी में और शादनाम में क्या था, बहुत अच्छा हुआ है वो बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए सर, और अब ये 50 साइट्स इस तरह के ये कर रहे हैं और ये ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं, बायोडाइवर्सिटी इसमें ज्यादा होती है, इट ग्रोज 10 times फास्टर। अच्छा जी, एक साल के अंदर वो तो ये तो सारे इंडिजिनस सब इंडिजिनस पौधे हैं सर, और ये सब इंडिजिनस पौधे लेकिन चूज करके लगाए हुए हैं, और फिर और नीचे आपने ये मेन थिंग इज द ग्राउंड प्रिपरेशन जी, इसके अंदर 3-4 फुट खोद के राइस सास कर उसका मल्च डालते हैं ताकि वो वाटर को अब्जॉर्ब करके रखे और आस्ते आस्ते दे प्लांट को, तो ये उसके चाइनीज ने जापानीज ने डेवलप किया, स्पीड से ज्यादा तेज होते हैं जी, स्पीड से ज्यादा तेज होते हैं। ये अर्बन एरियाज में बहुत कामयाब है क्योंकि लैंड एरिया थोड़ा है, आपको जल्दी प्लांटेशन चाहिए होती है वहाँ पे, तो ये इसके 50 साइट्स मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे आपके जो है। और किधर किधर कर रहे हो ये मुख्तलिफ जगह भी, जहाँ जहाँ पे इनको जगह मिली है, एक इसका बड़ा साइट जो है जल्लो में शायद 50 अभी ये शादमान में लगाया उन्होंने, शादमान के चौक के साथ ही है, लिबर्टी के चौक के बीच में लगाए गए हैं। So, मेरी ये रिकमेंडेशन है लाहौर में तो जिधर भी ग्रीन एरिया मिले ना सब भी उधर ये लगा दो, इसकी वन टाइम कॉस्ट होती है शुरू में ये कॉस्ट, और शुरू में प्रॉपरली तो उसके बाद इट सेव्स यू इवन मेंटेनेंस कॉस्ट। चलो, वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में मौजूद हैं, यह आपने देखा, अपने स्क्रीन पर नाज़रीन ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आज़म इमरान खान को मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम की तरफ से। 50 साइट्स इसके अलावा जो हैं वो बाकायदा हदफ में हैं कि वो तकमील की मराहिल में पहुँच रही हैं, जल्द अज़ जल्द उनको तकमील की जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा जो है अप्रिशिएट किया उनकी टीम की कारकर्दगी को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। मुशीर माहौलियात का ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान को ये कहना था कि ये 50 साइट्स हैं, ऑक्सीजन जो है ये पौधे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, और 10 गुना ज्यादा इनकी बढ़ोतरी की रफ्तार है, जितनी रफ्तार से एक आम पौधा एक आम दरख्त जो है वो बढ़ता है उससे 10 गुना ज्यादा ये बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस मौके पर ये कहना था क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट के विजन के हवाले से, कि जनाब लाहौर के हवाले से खासतौर पर चूंकि बहुत बड़ा शहर है, आलूदगी ज्यादा है, ट्रैफिक के मसाइल हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, आबादी बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से जहां पर भी ग्रीन एरिया देखते हैं, जहां पर भी ग्रीन बेल्ट नजर आती है, उसी जगह पर जो है इस तरह के अर्बन फॉरेस्ट जो है वो लगा दिए जाएं, शहर में जंगल के हवाले से। नाज़रीन, ये बाकायदा एक विजन है वज़ीर आज़म इमरान खान का, एक प्रोजेक्ट है। अब ये तकरीब है जहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान पहुंचे हैं, इसमें भी इसी हवाले से जिनानी पार्क लाहौर में मेवाकी अर्बन फॉरेस्ट के आगाज़ की तकरीब है ये। वज़ीर आज़म इमरान खान मेहमान खसूसी हैं, लाहौर में फजाई आलूदगी पर काबू पाना है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है, ऑक्सीजन ज़्यादा जो है वो मिलेगी इन पौधों से।